मध्य प्रदेश में आधुनिक पुलिसिंग हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। डायल 100 काफी तेजी से वर्क कर रही है, साथ ही थानों में सीसीटीवी भी लगे हैं और पूरे जिले जो है सीसीटीवी से पूरे कैप्चर होते हैं और इसमें सुरक्षा का भाव भी पैदा होता है। एसएसपी रेडियो मध्य प्रदेश अमित सिंह हमारे साथ हैं, जो जबलपुर के विजिट पे थे। यहाँ पर उन्होंने पूरा सेक्शन देखा है जो भी रेडियो का होता है, और मध्य प्रदेश में क्या गतिविधि चल रही है हम उनसे बात करते हैं। सर, मध्य प्रदेश में रेडियो के सेक्शन में आप क्या नवाचार कर रहे हैं और किस तरह से इसको समृद्ध कर रहे हैं? देखिए, पूरा जो फोकस है, चाहे वो केंद्रीय सरकार का है और राज्य सरकार का है, कि हम तेजी से तकनीक का उपयोग करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जितना ज़्यादा तकनीक का उपयोग रहेगा, उतना ही पुलिस में पारदर्शिता बढ़ेगी, और दूसरा उतना ही हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है डेमोक्रेटिक होगा। इसको मद्दे रखते हुए हमने सबसे पहले हम पूरे भारत में डायल 100 लेकर आए थे, सिटी सर्विलांस सिस्टम लेकर आए थे। ये दोनों जो सिस्टम है वो अपने द्वितीय चरण की ओर अग्रसर है। डायल 100 टेंडर करने की स्थिति में है, टेंडर आजकल में दूसरे फेज का होगा। सिटी सर्विलांस के जो हेडक्वार्टर्स में कैमरे लगे हैं उसका द्वितीय चरण प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, माननीय हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में लगातार जो कैमरे लगने हैं थाने में, उनका भी काम चल रहा है। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता हो, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेंट्रिक पुलिसिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस का बिहेवियर है आम आदमी के प्रति उसमें सकारात्मकता हो। पुलिस आम आदमी से जितना अच्छा व्यवहार करेगी, पुलिसिंग उतनी अच्छी होगी और पुलिसिंग की जो पब्लिक छवि है उतनी सुधरेगी। तो तकनीक अपने साथ डेमोक्रेटिक वे ऑफ पुलिसिंग भी लेकर आती है और साथ ही साथ पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच भी लेकर आती है, और साथ ही साथ जो हमारी क्राइम के अप्रोच है वो चेंज हो जाते हैं। हमें एक टेक्निकल हैंड मिल जाता है, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाता है, जिसके तहत हमारा विशेष रूप से क्राइम के जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं उनकी ट्रेसिंग में काफ़ी मदद मिलती है। मॉडर्न डेज पुलिसिंग में सीसीटीवी बहुत ही कारगर है, बहुत से लॉ ऑर्डर सिचुएशन में, बहुत से बॉडी ऑफेंसेस में और बहुत से प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में जो सीसीटीवी फुटेज लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं कि तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। IGDG कॉन्फ्रेंस पे वो इस पर फोकस कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस भी लगातार आगे बढ़ रही है तकनीकी उन्नयन के। डायल 100 का सबसे पहला सामना पड़ता है किसी भी घटना दुर्घटना में, वो तेजी से पहुंच पाती है। रिस्पांस टाइम को और भी कम करने की कोशिश किस तरह से की जा रही है, किस तरह से और प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है? देखिए, डायल 100 में जब 2015 में ये प्रोजेक्ट भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया, तो उस समय गाड़ियों की संख्या 100 थी, 1000 थी, और जबलपुर की बात करें तो यहाँ पे 45 गाड़ियाँ अलॉट हुई थी। द्वितीय फेज में हम अगले 5 साल में हर वर्ष 200 गाड़ियाँ बढ़ाएंगे, तो टोटल 2000 गाड़ियाँ हो जाएंगी। टोटल 2000 गाड़ियाँ होंगी तो हमारे जो नोडल पॉइंट हैं उनकी संख्या बढ़ेंगी, नेचुरली हमारा रिस्पांस टाइम अच्छा होगा। हमारा टारगेट ये है कि अर्बन सेंटर्स में 5 मिनट और रूरल सेंटर्स में 15 मिनट में हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल है वो रिस्पॉन्ड करे, कॉलर को जो भी मदद हो सके तत्काल इंस्टेंट दे सके। इंस्टेंट जस्टिस पुलिस का सबसे बड़ा योगदान होता है और FRV उसी दिशा में लिया गया कदम। मानवीय पहलू को देखते हुए भी कई बार देखा जाता है कि जैसे दुर्घटना वगैरह हो गई तो डायल 100 में ही जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होता है उसको अस्पताल भी पहुंचाने का काम लगातार पुलिस का। निश्चित तौर पर कई बार एक्सीडेंट के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते हैं, हमारी डायल 100 की गाड़ियाँ जाती हैं और हम तत्काल उनकी मदद करते हैं। और दूसरे फेज में हमने इस तरीके से इम्प्रोवाइज गाड़ियों की डिमांड की है जिसमें पीछे के जो सीटें हैं उनको हम इस तरह से बेंड कर सकें कि स्ट्रेचर को वहाँ पर रखा जा सके। तो सेकेंड फेज में हम इस चीज़ को विशेष ध्यान रख रहे हैं कि एक्सीडेंट स्पॉट में अगर कोई गंभीर रूप से घायल है, हर गाड़ी में हम स्ट्रेचर की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे घायल आम आदमी को, पब्लिक को हम हॉस्पिटल पहुंचा सके, क्योंकि गोल्डन टाइम में अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने की संभावना रहेगी और उसको हम जीवित करने में अपना योगदान।
सुरक्षा के साथ सद्भावना का भी एक क्रम लगातार चल रहा है रेडियो के क्षेत्र में, और लगातार पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर तकनीक के माध्यम से लगातार पुलिसिंग की जा रही है, और तकनीक का जितना अच्छा योगदान होगा उसमें क्राइम कंट्रोल की दिशा में बेहतर कदम माने जा सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप सर, विवेक तिवारी, पंजाब केसीटीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।